माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मेट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को, और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम स्केड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है पीपीए ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है, चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किया जाए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है। सो पहला क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है एक विकर अभिगमन प्रोटीन, हार्मोन या प्रतिरक्षी, यानी विकर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हार्मोन या एंटीबॉडी, क्या है हीमोग्लोबिन। अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर क्लास 11th का अच्छा से पढ़ा है, या आपने 9th-10th भी अच्छे से पढ़ा है बायोलॉजी, तो आप इस सवाल का उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है जल्दी बता दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यानी अभिगमन आपका प्रोटीन। ठीक है, क्या काम होता है इसका, क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताइए, हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या चीज का ये आपका एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है बता दीजिए जल्दी। यस, इसका काम है जस्ट आपका ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी आपको हार्ट से ऑक्सीजन आपको ले जाना कहाँ, सॉरी हार्ट से और लंग्स, दोनों लंग्स से लेके हार्ट्स के थ्रू आपको हर जगह पहुंचाना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ऑक्सीजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। वाटर ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस बाय, वसा का जल विघटन इसके द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपका 9th-10th के बेसिस पे क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से आंसर बताइएगा। वसा का जल विघटन इसके द्वारा किया जाता है, इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस। आप अच्छे से पीएम वाला क्वेश्चन सब कर लीजिएगा जो पेड कोर्स में है, 2006 से लेके आपका 2021 तक। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये इंजाइम्स के बेस, यानी आपका डाइजेशन वाला चैप्टर जो है क्लास 11th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर, एक एक लाइन एनसीईआरटी चाहे जो भी आपके पास 11th क्लास 12th का कर लीजिएगा उसको। ठीक है, वसा का आपका ब्रेकडाउन होता है, फैट्स टेक्स प्लेस बाय, कौन सा आपका वसा का आपका अपघटन, यानी उसे आपका ब्रेकडाउन करता है, वसा यानी फैट, फैट का ब्रेकडाउन करके कौन सा आपका इंजाइम इनमें से आपका तोड़ता है जल्दी बता दीजिए। तो फैट आपका किसके द्वारा टूटता है, इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज, तो देखते हैं कौन फर्स्ट होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, सो फैट आपका एक लाइपेज के द्वारा आपका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके क्या बनता है जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, फैटी एसिड्स। ठीक है, ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीएम वाले आपके प्रीवियस ईयर्स में, फैटी एसिड्स बनता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्राई ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन कि फैट का डाइजेशन हमारे बॉडी में कहां पे होता है, माउथ यानी मुंह में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक, आमाशय में होता है, मुंह में होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जल्दी बताइए, जल्दी देखते कौन फर्स्ट करता है, ये क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर्स के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो फैट का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है। ठीक है, और मुख्यतः आपका फैट्स यही होता है। ठीक है, स्टमक में आपका प्रोटीन ज़्यादातर आपका डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, और इसका एंजाइम कहाँ से बनता है, पैनक्रियास से, पैनक्रियास बनाता है। ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबको
ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर डाइजेशन वाला अच्छे से मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड एसेंशियल, यानी माँ का दूध शिशु को क्या प्रदान करता है? विकर, हार्मोन, प्रतिरक्षी, प्रेफेज, क्या प्रोवाइड करता है? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, यानी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो माँ का दूध जो होता है, जो आफ्टर बर्थ दिया जाता है, तो सबसे पहले तो बर्थ के बाद देना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्लस्ट्रम रहता है उसमें, येलो कलर का दूध रहता है जिसको मैं क्लस्ट्रम उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपको इम्यूनिटी देता है बॉडी को, शुरुआती इम्यूनिटी आपको यहीं से मिलती है, ठीक है। इसलिए मदर मिल्क बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ना कि जो पाउडर वाला पैकेट वाला दूध आता है, ठीक है, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, और ये जो आंसर दे देगा उसका पैरामेडिकल में सिलेक्शन इस बार हो रहा है। मदर मिल्क में कौन सा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? मदर मिल्क में यानी क्लस्ट्रम में आपका कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जल्दी बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये जो बता देगा। चलिए ऑप्शन देते हैं, IgA, याद है गेम डी आपको एक कराए थे हम ट्रिक, तो IG आपका IgG, ठीक है, फिर IgA, फिर IgM, IgE और IgD, ठीक है, गेम डी, ठीक है, इसको स्मॉल कर दीजिए, इसको कैपिटल, GAMED। अब बताइए कौन सा होता है। पांच तरह का आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, ट्रिक आपको मैंने बता दिया, इसी प्रकार से सब ट्रिक से हम लोग को करना है कि याद रहे, ठीक है। तो गेम डी में बताइए मदर मिल्स में क्या रहता है, तो आपका IgA, ठीक है, ए वाला रहता है, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी देता है, ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड है सभी को। चौथा प्रश्न, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इज, पौधे के विकास के लिए सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, पीएम वाला क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और वहां माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, ठीक है, माइक्रो और ये मैक्रो दोनों करा रखे हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो आप पेट कोर्स वाले वीडियो में जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार मैंने स्टडी मटेरियल वाला में सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो पौधे के विकास के लिए सूक्ष्म पोषक क्या है आपका, ठीक है, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बता दीजिए जल्दी जल्दी, सही उत्तर क्या होगा इसका, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज्यादा, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको प्लांट ग्रोथ के लिए बताना है, ठीक है, देखते कौन कौन आपका पढ़ा है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी से यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है। पिछले साल आपका पीएम में C3 C4 के ऊपर आया था प्लांट्स के ऊपर, जिसको मैंने आपको पीएम में भी दिखाया था, पीएमएम में भी, ठीक है, तो उसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब आंसर दे दीजिए, हाँ, तो बोरॉन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन आपका हो जाएगा, ठीक है, बोरॉन सबसे यहाँ पे होगा, बाकी सब आपका मैक्रो है, ठीक है, ये माइक्रो है, ठीक है, ठीक है, कम मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, और होमवर्क मैं यही दे रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स, जाके चैप्टर पढ़िए और मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप कोई एक भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ स्मार्ट वर्क समझा देते हैं आपको, ये सब आपको आना चाहिए और यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। अब आपको मैक्रो दोनों याद करना, मैक्रो और माइक्रो, तो आप जो कम संख्या में है उसी को पूरा याद कर लो, ठीक है, फिर आपको मैक्रो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैक्रो में 5 है, इधर 8 है, तो
तो आप पांच वाला सिर्फ याद कर लो, जब भी क्वेश्चंस आएगा तो ये पांच याद रहेगा ना, बाकी ना आठ याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पता तो चल जाएगा हाँ कि ये मैक्रो है, तो काट दो कि इस मैक्रो 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 है, सिर्फ बोरॉन नहीं है तो चलो बोरॉन ही होगा। तो ये सब कुछ स्मार्ट वे है पढ़ने का, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क जो हर पीपीआई सोल्जर्स को आना। सो अब आते हैं एक पीएम के क्वेश्चन पे जो कि रिपीटेड है, ठीक है, यहाँ से रिपीट हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मिनिमम डेली वाटर एवरेज वाटर, इनमें से किसको न्यूनतम दैनिक औसत जल की आवश्यकता है, कुकट सुअर गाय ऊट पोल्ट्री पिक काउ कैमल। अब आप लोग ये देख के सीधे पोल्ट्री पे टिक मारोगे, मारोगे कि नहीं, लेकिन सही उत्तर होगा कैमल। इसका मैंने बढ़िया से एक्सप्लेनेशन आपको पीएम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे रखा है, तो उसको जाके एक बार पलटिए, ठीक है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पीएम का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीएमएम में आया है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों कैमल का आपका डेली वाटर का एवरेज रिक्वायरमेंट सबसे कम होता है, क्यों, क्योंकि ये आपका रेगिस्तान का है तो ये कम पानी में ही अपना काम चलाता है, ठीक है। सो साइज देख के गलत आंसर देने का नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मिनिमम टेम्परेचर फॉर कंजर्वेशन, जल्दी बता दीजिए, इनमें से किसका संरक्षण के लिए आपका न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, मछली, कुकुट, फल, सब्जियां, किसके आपका आवश्यक होता है मिनिमम टेम्परेचर फॉर कंजर्वेशन, तो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, जल्दी बता दीजिए, मछलियों के लिए, ठीक है, फिशेस के लिए, ठीक है, फिश के लिए, ठीक है, करेक्ट आंसर फिश होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 यानी 7 क्वेश्चन नंबर, निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया इसके कारण होता है विषाणु, कवक, जीवाणु या पौष्टिक तत्वों की कमी के वजह से, तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसके वजह से होता है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, यस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिल्क इज, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वीवीआई कर लीजिएगा, रेशम है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या विटामिन, तो रेशम क्या है एक बता दीजिए, चलिए तो ये आपका एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, सिल्क क्या है, सिल्क एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन इज मेड इन आवर बॉडी, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है, डी सी बी ई, विटामिन्स के ऊपर हमेशा सवाल आता है तो अच्छे से कर लीजिएगा विटामिन्स को, सो बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। सो विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, ठीक है, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सूरज की रोशनी चाहिए तभी हमारे शरीर की ये त्वचा में बनता है विटामिन डी, ठीक है, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, जल्दी बता दीजिए, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत पहले ही प्रीवियस ईयर्स में बोल रखा है कि सारे विटामिन्स का केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए, तो ये होमवर्क है, इस होमवर्क को अच्छे से कर लीजिएगा जिनको भी पैरामेडिकल अच्छे अंकों से क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें और लाइक कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए। विच हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, किसमें प्रोटीन का आपका सर्वाधिक मात्रा होता है, अंडे का आपका पीला परत, ठीक है, फिर आपका अंडे का आपका श्वेत भाग, पालक या मटर, किसमें आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा रहता है, तो अंडे का पीला भाग में आपका सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वीवीआई थे, तो अच्छे से जो जो होमवर्क मिला उसे कर लीजिए सारे मेरे प्रिय पीआई के सोल्जर्स, और अच्छे से पढ़िए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो पीपीआई ट्यूटोरियल करके भी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और लाइक कमेंट और क्लास के बाद अपना फीडबैक बहुत दीजिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, उससे हमें शक्ति मिलती है, हमारा वो क्या बोलते हैं
एनर्जी का पावर हाउस है, कमेंट्स आपका बढ़िया बढ़िया, तो उसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।